अक्सर हमने देखा है कि कुछ घरों में एक ही कलर के पर्दे हर कमरे में लगे होते हैं, एक ही शेड होता है, और वो शेड गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। पर्दे का शेड आपकी किस्मत को चमका भी सकता है और आपकी किस्मत को बर्बाद भी कर सकता है। तो आज मैं आपको ऐसे कलर बता रही हूँ जो पर्दों के रूप में आपको काम में लेने हैं हर रूम के हिसाब से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आजकल तो रेडीमेड पर्दे हर कलर के मिलते हैं। तो आपको खुशियाँ चाहिए, आपको बरकत चाहिए, तो इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। आप ये करके कह के एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि हमको तो तरक्की नहीं चाहिए या हमको बरकत नहीं चाहिए, ऐसा तो आप कहेंगे ही नहीं। आप दिल से चाहते हैं कि आपकी बरकत हो, तो उसी का उपाय बता रही हूँ। ये आपकी किस्मत, आपके घर के पर्दे चमका सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे वास्तु सलाह भी ले सकते हैं, अवेलेबल है ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। 25 साल का वास्तु का तजुर्बा है जो मायने रखता है, तो ये मेरे इस अनुभव का लाभ आप उठा सकते हैं। ज्योतिष का भी मुझे 25 साल का अनुभव है, तो मेरे इस अनुभव का लाभ आप उठा सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके घर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके घर का गेस्ट रूम यानी अतिथि कक्ष। अतिथि कक्ष हमेशा वायु दिशा में बनाना चाहिए। आज मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि किस दिशा में क्या बनाना है, आज पर्दों पर ही प्रकाश डालेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। तो पर्दों पर ही केंद्रित है आज का वीडियो, और पर्दों के बारे में ही आप जान पाएंगे कि किस कलर का पर्दा आपके लिए लकी हो सकता है। वैसे तो एक पर्टिकुलर कलर होता है जो हर किसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन वास्तु में कलर का दीवारों के हिसाब से बहुत महत्व है। दीवारों के साथ साथ आपको पर्टिकुलर जो कर्टन होता है उसका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान रखना होता है, और उस कलर के पर्दे उसी कमरे में लगाने चाहिए जिस कमरे के लिए वास्तु के हिसाब से या वास्तुशास्त्र के हिसाब से पर्दों का रंग प्रशस्त किया है। तो अतिथि कक्ष में आपको पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए कर्टन के रूप में, उससे आपको फ़ायदा रहता है। आप हरे रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, नीले रंग का प्रयोग भी अतिथि कक्ष में किया जा सकता है। ये तीन कलर लकी बनते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जो आपकी राशि के हिसाब से लकी कलर है उसका भी आपको बेनिफिट लेना चाहिए, और अपनी राशि या लग्न के हिसाब से लकी कलर चूज़ कर लेना चाहिए। मैं अगले वीडियो में या कुछ अन्य वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके लग्न के हिसाब से कौन सा पर्दा आपके लिए लकी हो सकता है, उसको भी आप देखिएगा। गारंटी नहीं लेती, लेकिन समय मिलेगा तो अवश्य ही बनाऊंगी, क्योंकि वास्तु पर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ बहुत अधिक, जिससे आपको ज्ञात हो सके कि मैं 25 साल से वास्तुशास्त्र पर काम कर रही हूँ और आप मेरी सलाह ले सकते हैं वास्तु के क्षेत्र में। तो आइए अन्य कमरे के बारे में जानते हैं कि कौन से कमरे में आपको क्या कलर के पर्दे लगाने हैं। अपने बेडरूम में हल्के गुलाबी रंग के पर्दे आप लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सिलेटी कलर के पर्दे भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपको शुभ होते हैं, अच्छी नींद आती है जिसमें ये कलर यूज़ होते हैं। भोजन कक्ष में यानी डाइनिंग रूम में आपको हल्का हरा रंग प्रयोग में लेना चाहिए, ये बहुत लकी होता है। कोई भी हल्का रंग आप प्रयोग में लेते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। हल्का ब्लू कलर भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। भूख अच्छी लगती है हल्के कलर अगर काम में लिए जाते हैं, लेकिन एक कलर अपवाद है जो है केसरिया कलर या भगवा कलर या ऑरेंज कलर। इसका प्रयोग भी आप डाइनिंग रूम में लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, और आपके घर में भूख खूब लगती है, सदस्यों को खुलकर भूख लगती है। भोजन कक्ष में पीले रंग का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये मैंने कलर आपको बताया जो लकी कलर होते हैं।